ओम श्री परमात्मने नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सरस्वते नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। आज हम गीता जी के 16वें अध्याय का पाठ करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, दैवी संपदा जिन पुरुषों को प्राप्त है तथा जिनको आसुरी संपदा प्राप्त है, उनके लक्षण मैं तुमको अलग अलग से कहूँगा और तुम सुनो। उनमें से सर्वथा भय का अभाव, अंतःकरण की अच्छी प्रकार से पवित्रता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, परमात्मा के स्वरूप को तत्व से जानने के लिए सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक भाव से ध्यान की निरंतर गाढ़ स्थिति ही ज्ञान योग समझना चाहिए। और सात्विक दान तथा इंद्रियों का दमन, भगवत पूजा और अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों के पठन पाठन पूर्वक भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन तथा अपने धर्म का पालन करने के लिए जो कष्ट सहन करना एवं शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता तथा मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार की भी किसी को कष्ट न देना तथा यथार्थ और प्रिय भाषण अपना अपकार करने वाले पर भी, यानी जो हमारा बुरा करता है उस पर भी क्रोध न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग एवं अंतःकरण की उपरामता अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव और किसी की भी निंदा भी नहीं करना। भगवान कहते हैं मनुष्यों को इस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए, अंदर बाहर की स्वच्छता पवित्रता होनी चाहिए। जो कोई हमारे लिए बुरा करता है, बुरा सोचता है, उसके लिए भी हमें बुरा नहीं सोचना चाहिए तथा सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी आसक्ति का न होना और कोमलता तथा लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव तथा तेज, क्षमा, धैर्य और बाहर भीतर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, यह सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण बताए गए हैं। जो न किसी से बैर करता है और न किसी प्रकार का अभिमान है, न वह चाहता है कि मेरे को लोग पूछें या न पूछें, वह सब प्रकार से एक जैसा ही रहता है, तो उसको ये समझना चाहिए कि ये देवता के जैसा है। अब जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, भगवान उनका वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं हे पार्थ, पाखंड यानी कि दिखावा, घमंड और अभिमान तथा क्रोध और कठोर वाणी एवं अज्ञान भी, यह सब आसुरी
संपदा को प्राप्त हुए पुरुषों के लक्षण हैं। यानी कि जिनमें ये गुण ये अवगुण कहे गए हैं वह आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कहे गए हैं। उन दोनों प्रकार की संपदाओं में दैवी संपदा तो मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है, जिसमें पहले के गुण यानी दया भाव है, कोमलता है, पवित्रता है, तो उसको तो यानी दैवी संपदा ये समझना चाहिए, और जो क्रोधी पाखंडी है वह राक्षसी संपदा समझना चाहिए। भगवान वर्णन करते हैं, हे अर्जुन, इस लोक में भूतों के स्वभाव दो प्रकार के माने गए हैं, यानी कि मनुष्यों की, एक तो देवों के जैसा और दूसरा असुरों के जैसा। उनमें देवों का स्वभाव विस्तार पूर्वक कहा गया है, इसलिए अब असुरों के स्वभाव को भी विस्तार पूर्वक मेरे से सुनो। भगवान वर्णन करते हैं कि आज तक हमने जो तुमको बात बताई, जो उपदेश दिया, वो दैवी संपदा वाले लोगों के लिए था, उनका स्वभाव कैसा होता है, अब राक्षस कैसे होते हैं यह तुम मुझसे सुनो। हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य कार्य में प्रवृत्त होने को और अकर्तव्य कार्य से निवृत्त होने को भी नहीं जानते। यानी कि उनको ये भी ज्ञान नहीं होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए उनके मन में बाहर भीतर की शुद्धि नहीं होती, न श्रेष्ठ आचरण और न वो सच बोलते हैं। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत आश्रय रहित है। वे कहते हैं कि जगत ऐसा ही है और सर्वथा झूठा एवं बिना ईश्वर के अपने आप ही स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है। अब भक्तजनों, हमारे आसपास हमारे मित्र कैसे हैं, हमारे आस पड़ोसी, हम इस बात से ज्ञात कर लेते हैं। तो जो आसुरी प्रवृत्ति यानी राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि एक स्त्री एक पुरुष उनके संयोग से ये श्री मनुष्य उत्पन्न हुए, ये कोई भगवान भगवान कुछ नहीं है, ये तो अपने आप ही उत्पन्न होता है और अपने आप ही फिर ख़त्म भी हो जाता है, ऐसा उनका मानना है। इसलिए केवल भोगों को भोगने के लिए ही है, इसके सिवा और क्या है। वो कहते हैं जिंदगी में आए हो, खाओ पियो मौज करो, ऐसा उनका सोचना होता है। इस प्रकार इस मिथ्या ज्ञान को यानी झूठा ज्ञान को वह लोगों में कहते हैं और बाकी सबको वह गलत ही बताते हैं, और उनका जो ज्ञान है उन्हें होता ही नहीं है। और स्वभाव जिनका तथा और वो मंद स्वभाव वाले हैं, बुद्धि जिनकी ऐसी, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। भगवान वर्णन करते हैं कि जो भगवान को नहीं मानता है, खाओ पियो ऐश करो की जिंदगी जीता है, वह लोग इस दुनिया संसार का नाश करने के लिए ही यानी कि मनुष्यों को दुख देने के लिए ही जन्म लेते हैं। वे मनुष्य दंभ मान और मद से युक्त होते हैं, उनको बहुत घमंड होता है, वह अपना चाहे किसी का मान सम्मान करें ना करें, परंतु ये सोचते हैं कि मेरा सब मान करें, किसी प्रकार भी न पूर्ण होने वाली कामनाओं का वे मन में कामना करते रहते हैं, जो कभी उनकी कामनाएं पूर्ण नहीं होती, और मिथ्या मिथ्या गलत गलत ज्ञान बताते हैं और गलत गलत जो सिद्धांत होते हैं उनको ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों से युक्त हुए संसार में बरतते रहते हैं। वे इतने भ्रष्ट विचार वाले होते हैं, ऐसा ही आचरण भी करते हैं, और
सबको ऐसा ही कहते हुए दुनिया में ऐसे ही वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वे मरण पर्यंत रहने वाली अनंत चिंताओं को आश्रय किए हुए और विषय भोगों के भोग में तत्पर हुए एवं इतना मात्र ही आनंद है ऐसे मानने वाले हैं। वह क्या सोचते हैं? एक तो बहुत हमेशा चिंतित और भयभीत रहते हैं अंदर से। दिखावा तो करते हैं कि हमारे जैसा निडर कोई नहीं है, परंतु अंदर से वे हमेशा चिंतित रहते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। और उनको जैसे भोजन मिल गया, पैसे मिल गया, कुछ लोगों ने मान सम्मान दे दिया, तो सोचते बस यही आनंद है, इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। इसलिए आशा रूप सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए और काम क्रोध के परायण हुए विषय भोगों की पूर्ति के लिए अन्यायपूर्वक धनाधिक बहुत से पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। वे लोग चाहे अन्याय ही क्यों न करना हो, अपने खुशी के लिए वे लोग दूसरों को परेशान करते हैं और एन के इन प्रकार धन को इकट्ठा करते हैं। उन पुरुषों के विचार इस प्रकार के होते हैं कि मैं आज यह तो पा लिया, यानी कि मैंने आज किसी का कुछ लूट लिया, किसी को ठग लिया, मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया, आज मेरे पास इतना सारा धन है, कल मेरे पास और भी बहुत सारा धन होगा। भगवान वर्णन करते हैं कि वो सोचते हैं कि आज मैंने अपने शत्रु को मार दिया है, कल उस शत्रु को भी मारूंगा और उसका धन छीन लूंगा, मैं ईश्वर और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ। वे सोचते हैं कि मैं ही अब ईश्वर हूँ और मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ और सब धन संपत्ति भी मेरी है और मैं सब सिद्धियों से युक्त एवं बलवान और सुखी हूँ। वे ऐसा अपने मन में सोचते हैं कि मैं ही सुखी हूँ और मैं ही धनवान हूँ और मेरा बड़ा सा कुटुंब है, मेरे समान दूसरा कोई नहीं संसार में, और मैं दिखावा करने के लिए, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए यज्ञ करूँगा और लोगों को दिखाऊँगा, फिर मैं लोग जब मेरे बहकाए में आ जाएंगे तो मैं बड़ा ही प्रसन्न हो जाऊँगा। इस प्रकार अज्ञान से वे लोग मोहित हुए रहते हैं, वे बड़े अज्ञानी होते हैं, इसलिए वे अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले अज्ञानी जन मोह रूप जाल में फंसे हुए एवं विषय भोगों में अत्यंत आसक्त हुए महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त हुए, शास्त्र विधि से रहित, केवल नाम मात्र के लिए यज्ञों द्वारा पाखंड से यजन यानी पूजन इत्यादि करते हैं। वे अहंकार बल घमंड कामना और क्रोधादि के परायण हुए एवं दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। वे कहते भगवान है ही क्या, भगवान ने किया ही क्या, यानी कि वे भगवान की भी निंदा करते हैं, भगवान है तो सामने क्यों नहीं आता, ऐसे वे कहते रहते हैं। ऐसे उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बारंबार आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ, अर्थात जब वे नरकों में भोग भोग करके आते हैं, अपने किए का पाप जो उन्होंने किया उसे भोग कर फिर वे इस पृथ्वी पर आकर के कुत्ता सुअर आदि नीच योनियों में भगवान उसको जन्म देते हैं। इसलिए हे अर्जुन, वे मूल पुरुष जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त हुए मेरे को न प्राप्त होकर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात वे घोर नरक में पड़ते हैं। हे अर्जुन, काम क्रोध तथा लोभ यह तीन प्रकार के नरक के द्वार कहे गए हैं। सब अर्थों के मूल और नरक की प्राप्ति हेतु होने से यहाँ काम क्रोध और लोभ को ही नरक का द्वार बताया है। काम क्रोध और लोभ, इसी से आदमी नरक में जाता है।
आत्मा का नाश करने, ये सब आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात अधोगति में ले जाने वाले हैं, यानी पशु इत्यादि योनियों में ले जाने वाले हैं। इनसे, इन तीनों को त्याग देना चाहिए। मनुष्यों जो अपना कल्याण चाहते हैं उनको ये काम क्रोध मोह को त्याग देना चाहिए, क्योंकि अर्जुन इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त हुआ, अर्थात काम क्रोध और लोभ आदि विकारों से छूटा हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मेरे को प्राप्त होता है। जो पुरुष शास्त्र की विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से काम करता है, जैसे कि आजकल मनमाना आचरण करना, जो वेदों में बताया गया है, जो श्री रामायण जी में, श्री गीता जी में जो हमारे संतों ने जो नियम बताए हैं उसका पालन न करते हुए मनमाना आचरण जो करता है, तो भगवान कहते हैं वह भी उनके उस फल का कोई भी फल नहीं मिलता उस काम का, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता भगवान वर्णन करते हैं, और न परम गति को तथा न सुख को ही प्राप्त होता है। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, यानी कि हमको जो कुछ भी करना चाहिए वो शास्त्र के हिसाब से ही करना चाहिए। अगर हम उसके हिसाब से नहीं करेंगे तो हमको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को ही करने के लिए योग्य है, यानी कि तुझे शास्त्र विधि के अनुसार जो तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का जो धर्म होता है उसी का पालन करो, तुम्हारे लिए वही उचित है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण श्री अर्जुन महाराज जी को समझाते हैं। अब आज हम श्री गीता जी के 16वें अध्याय को यहीं पर विराम देते हैं, कल एक और अध्याय या आपके सामने सम्मुख प्रकट सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्मा विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में देवासुर संपत्ति भाग योग नामक 16वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः।